हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे जनरल साइंस यानी कि जेमिस्ट्री केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 300 क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, और जिस किसी ने भी वो क्वेश्चंस नहीं देखे उनके आंसर्स, तो जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए। 301वां क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है, तो याद रखना नाइट्रिक अम्ल, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जीवित तंत्रों में निम्न प्रकार की यौगिक पर विचार कीजिए। पहला है हार्मोन, एंजाइम, लिपिड। उपयुक्त तीनों में से कौन से वर्ग के यौगिक जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण प्रकार निष्पादित करता है? एक और दो, हार्मोन और एंजाइम। जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य हार्मोन एवं एंजाइम द्वारा निष्पादित होते हैं। सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते हैं। हार्मोन एंड्रोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, यह हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। एंजाइम एक्जोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ए सभी एंजाइम जीवित तंत्रों में कार्यात्मक भूमिका निभाते हैं। दूसरा बी आर है, एंजाइम में पेप्टाइड अनुबंध होता है, तो इसमें डी ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सभी एंजाइम जीवित तंत्रों के विकारात्मक भूमिका निभाते हैं, लेकिन एंजाइम में पेप्टाइड अनुबंध नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल है, लॉरिक एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर पांच, बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फैक्टोज के मिश्रण को कहते हैं सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर छह, फिलंट कांच में होता है, तो याद रखना लेड क्रोमेट फिलंट कांच में होता है। यह पोटेशियम कार्बोनेट और लेड सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसका उपयोग फ्रिज में तथा लेंस बनाने में होता है। बोरेक्स या सुहागा सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को सुहागा या बोरेक्स कहा जाता है। यह जल में विलेय होता है। इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, कागज व सिरेमेटिक की वस्तुएं पर ग्लेज करने में, जल को मृदु करने में, चमड़ा उद्योग में खोल को साफ करने में और चमड़े की रंगाई में होता है। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के बारे में विचार कीजिए, पनीर, शर्करा, सिरका। उपयुक्त तीनों में से कौन से खाद्य पदार्थ कीटवन प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होते हैं? एक और तीन, पनीर और सिरका। ठीक है, क्या होगा? पनीर और सिरका। बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन होगा हमारा अपमार्जक अपवर्जन शब्द निम्नलिखित विज्ञानी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबद्ध है, पावली। अपवर्जक शब्द पावली वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत से संबद्ध है। पावली का उपवर्जन सिद्धांत, किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान की क्षति होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि एम द्रव्यमान की क्षति होती है तो ई उत्पन्न होती है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहां सी निर्वात में प्रकाश का वेग है, एम द्रव्यमान और ई ऊर्जा है। न्यूटन के द्वारा गति का नियम प्रतिपादित किया गया। इन्होंने 1686 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में पहली बार गति के नियम को लिखा। न्यूटन का के प्रथम गति का नियम, ठीक, अगर कोई पिंड स्थिर है तो स्थिर रहेगा, या एक समान सरल रेखा पर गतिशील है तो गति में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर सके। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान में कि व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है, एफ बराबर एम ए। न्यूटन के तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9वां, सी ए थ्री पीओ फोर ओ टू ओ पीओ फोर कोष्ठवन टू सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणु की संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 10, साम अभिक्रिया ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी प्लस ऊष्मा एक बंद पात्र में अग्रवर्ती अभिक्रिया दर को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए 2 और 3 इसमें सही होगा, ए की सांद्रता को बढ़ाकर, दूसरा है उत्पाद ए बी को बढ़ाकर। साम अभिक्रिया ए प्लस बी बराबर ए बी प्लस ऊष्मा में अग्रवर्ती अभिक्रिया दर को ए की सांद्रता को बढ़ाकर एवं उत्पाद ए बी को हटाकर बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टाइरीन नामक रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है? प्लास्टिक। बी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथककरण में प्रयास यह प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन। बात करते हैं 13, कुछ खाद्य पदार्थ बनाने में काम आने वाली पेक्टिन यौगिक के निम्नलिखित वर्ग में आती है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 14, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानकों का निम्नलिखित समान होती है? क्या सी ऑप्शन सही होगा इसमें, परमाणु संख्या और कक्ष इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभि में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, औद्योगिक विक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम है? याद रखिए धावन सोडा। औद्योगिक विक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को धावन सोडा कहा जाता है। आम जीवाणु भी है, मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ है। याद रखिए आयोडोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या, यह पीले रंग का रेबेदार पदार्थ है जिसमें एक तरह की गंध होती है। यह जल में अघुलनशील परंतु एल्कोहल एवं ईथर में घुलनशील होता है। यह ऊर्ध्वपातित होता है। यह एक कीटाणुनाशक पदार्थ है, इसका उपयोग दवा में होता है। आयोडीन या एक ठोस पदार्थ है, इसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा या गलकंड रोग होता है। यह एक प्रबल जीवाणुनाशी है। आयोडीन और एथाइल एल्कोहल का मिश्रण ट्रिंचर आयोडीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पेपरमेंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है? मेथिनोल। पेपरमेंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है मेथिनोल कहलाता है। मेथोल का उपयोग निषेचक और मोह के छाले को ठीक करने में होता है। बाम एवं कप सिरप दर निवारक दवा के रूप में भी उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किंतिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है? तो याद रखें रियोन। रियोन मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। सेलुलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाकर रियान बनाया जाता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। नायलॉन पहला मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण एडिपिक अम्ल एवं हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन से होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर बनाने में, रस्सी बनाने में, पैरासूट बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित यौगिकों के समूह पर विचार कीजिए। तो इसमें होगा डी ऑप्शन सही। उपयुक्त तीनों में से यौगिकों में वर्ग जिसमें पेप्टाइड अनुबंध होता है, प्रोटीन और इंटरफेरॉन। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक रूप में सफेद स्पिरिट है, तो याद रखना पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। रासायनिक रूप में सफेद स्पिरिट
पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। 100% शुद्ध एथाइल एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोतों से एंजाइम को पृथक किया जा सकता है। तो याद रखना, जैव प्रौद्योगिक संक्रियाओं में एंजाइम निम्न से प्राप्त किए जाते हैं। 1, 3, 4 इसमें सही है, प्राणी, जीवाणु और कवक। क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम का द्वियंगी यौगिक है, तो याद रखिए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को चीली साल्टपीटर कहते हैं। यह चीली तथा फेरू में काफी मात्रा में मिलता है। इसका उपयोग खाद बनाने के रूप में तथा नाइट्रेट अम्ल के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अम्ल के जलीय विलयन का उदाहरण है, तो याद रखना 1 और 2 HCl और H2H3O+ यह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 24, माइट्रोमाइसिन नामक पीति जैविक निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकार के उपचार में काम आता है, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 25, साधारण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और घटित नहीं हो सकने वाला पदार्थ है चांदी। साधारण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और घटित नहीं हो सकने वाला पदार्थ चांदी है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। वायु प्रदूषण का वायु मिश्रण का उदाहरण है। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21 तथा 0.03% CO2 होता है। जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कहलाती है। इसमें याद रखना सी ऑप्शन सही होगा, प्रभाजी आसवन। इसकी व्याख्या की बात करें तो मिश्रण के घटकों को के क्वथनांक की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिसमें द्रवों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल निम्नलिखित का घटक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असमान रूप से अधिक होने का कारण है, हाइड्रोजन आबंधन। हाइड्रोजन आबंधन के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असमान रूप से अधिक होता है। हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक के बीच होता है। सिर्फ एफ ओ एवं एन या एच के साथ हाइड्रोजन बंधन बनता है। इसी बंधन के कारण ही H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, झाग निम्नलिखित का एक उदाहरण है, तो याद रखिए किसी द्रव में परिक्षिप्त गैस है। वैसा कोलाइड जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय द्रव होता है जल कहलाता है। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित होते हैं सोल कहलाते हैं। किसी गैस में ठोस या द्रव के कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाती है, स्मोक फॉग। बात करते हैं 30वां क्वेश्चन, ताम्र पिशाच नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्वों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो 30 का होगा बी ऑप्शन होगा सही। इसमें निकेल धात्विक तत्वों को दर्शाने के लिए ताम्र पिशाच नामक शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित के आयन को क्लोरीन जल तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड में मिलाने से बैंगनी रंग की निचली सतह बनती है, आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 32, एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है, HCl NHO3। 33 क्वेश्चन, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस विक्रम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं, हावर विक्रम।
कांटेक्ट विक्रिया द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है? क्वेश्चन नंबर 34, साधारण बी संक्रामक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला रसायन है? फेरा फार्मेल्डिहाइड। ठीक, फेरा फार्मेल्डिहाइड का उपयोग साधारणतः बी संक्रामक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला रसायन है। बेंजोइकम, यह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। एसीटोन का उपयोग कृत्रिम रेशा तथा संश्लेषित रबर बनाने में क्लोरोफॉर्म एवं आयोडोफॉर्म आदि दवाओं के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एल्यूमिनियम निष्कर्षण विक्रम कहलाता है, तो याद रखना हॉल विक्रम। एल्यूमिनियम निष्कर्षण विक्रिया कहलाती है हॉल विक्रिया। बियर विधि द्वारा भी इसका निष्कर्षण होता है। एल्यूमिनियम भूपरिपत्ति पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। उसके बाद लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा टाइटेनियम पाए जाते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य घटक मुख्य अयस्क है। यह अयस्क सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया, इसलिए इस अयस्क का नाम बॉक्साइट रखा गया। क्वेश्चन नंबर 36, बिटुमेनी कोयला से कोक का उत्पादन निम्न विक्रम से होता है, भंजक आसवन। क्वेश्चन 37, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है, बोन ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 38, इंसुलिन नियंत्रण रखती है रक्त में शर्करा के स्तर का। क्वेश्चन नंबर 39, रासायनिक तौर पर इंटरफ्रॉन है, तो याद रखें ग्लाइको प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरफेरोन निम्नलिखित का संधमन करता है, तो याद रखना विषाणु का। क्वेश्चन नंबर 41, इंटरफेरोन के औद्योगिक उत्पादन में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए पेकर खमीर। क्वेश्चन नंबर 42, महत्वपूर्ण हार्मोन सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोट्रोपिन का औद्योगिक किए उत्पादन निम्नलिखित द्वारा होता है, पुनर्योजक युगज, डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, एंजाइमों की वह प्रमुख विशेषता जो उन्हें कार्बनिक संश्लेषण में लोकप्रिय बनाती है, सी ऑप्शन सही है, विशिष्टता। क्वेश्चन नंबर 44, कार्बन संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम मुख्यतः है सूक्ष्म जैविक स्रोत से निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जल के प्राप्त गुणधर्म में ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध जिसकी वजह से अणु रेखित होते हैं, मतलब इसमें केवल दो सही है, यह विद्युत का बहुत अच्छा कुचालक अच्छा चालक है। ठीक, जल विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 46, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित है, तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 47, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, याद रखिए हेम्प भांग से। क्वेश्चन नंबर 48, अम्लीय विलयन का पीएच मान हो सकता है, याद रखना 3। वैसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन विलयन क्षारीय होता है, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है विलयन अम्लीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है, तो याद रखिए डी ऑप्शन सही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम का दूध कहा जाता है, यह पेट में अम्लता को दूर करने में दवा के रूप में प्रयुक्त होता है। 50, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कैंसर होने की संभावना अधिक है, निम्नलिखित से कैंसर होने की संभावना अधिक है, तो इसमें चारों सही है, भारी जल, एक्सरे, तेल शोधन कारखाने, रंजक व प्रेंट से। ठीक है, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 51, कार्बोमेट कीटनाशी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल निम्नलिखित में होता है, मेथाइल आइसोसाइनेट।
कार्बोमेट कीटनाशी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल मेथाइल आइसोसाइनेट है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसमें काफी जान माल की क्षति हुई थी। वर्जिलियस के शिष्य बोहलर ने प्रयोगशाला में पृथक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 52, सूची रासायनिक यौगिक दिए गए और उनके प्रकार सूची दो में, तो इनकी सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं डायरेक्ट। क्लोरोमाइसिटिन पिथिजैविक सेरफासिल प्रशांतक डिस्पार्लर कृषि रसायन विटामिन बी इसका अम्ल विटामिन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित एक लोकप्रिय सूक्ष्म जीविक कीटनाशी है, तो सी ऑप्शन है इसमें, क्या है सी, बेसिलस थ्रेंजियोसेंसिस। एक लोकप्रिय सूक्ष्म जीविक कीटनाशी बेसिलस थ्रेंजियोसेंसिस है। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में होता है। कुछ ईस्ट जैसे सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के उत्पाद हैं, तो याद रखिए 1 और 3, पर ऑक्सिल एसिटिक नाइट्रेट और तीसरा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 55, उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित बीमारियों होने की संभावना होती है, तो याद रखिए पी ऑप्शन सही होगा, हैजा टाइफाइड और पीलिया। क्वेश्चन नंबर 56, पेट्रोसस नामक पौधों में निम्नलिखित भरपूर होता है, तो याद रखना 2 और 3 सही, हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूध में पाए जाने वाले अन्य पौष्टिक तत्व कैल्शियम पोटेशियम और लोहा। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूध में कैल्शियम पोटेशियम लोहा पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाले तत्वों का तत्व तो 100 ग्राम दूध में, वसा 3.9% ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 5%, सोडियम 44 mg, पोटेशियम 150 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम, प्रोटीन 3.2 ग्राम, कैल्शियम 150 मिलीग्राम और मैग्नीशियम 10 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 58, कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टैक्सोल निर्मित पेड़ से निकाली जाती है, तो ईओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, तो याद रखिए लेड। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था में तथा संयुक्त अवस्था में दोनों में पाया जाता है, इसे उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित पृथ्वीदर्शी में किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, तो याद रखिए 1.0 जी ब्यूटेन टी 4H10। क्वेश्चन नंबर 61, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु में उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, हीलियम नाभिक। किसी कोण से एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु संख्या में 2 द्रव्यमान तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 62, आवर्त सारणी की दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित है, परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 63, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, विद्युत संयोजी बंध। सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी बंध होता है, बंधन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। यह बंधन धातु एवं अधातु के बीच होता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उस बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यह बंधन धातु एवं अधातु के बीच कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 64,
फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है, तो याद रखिए प्लस 3, और फेरस ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +2 होती है। क्वेश्चन नंबर 65, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, याद रखिए परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट परमाणु है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है अणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66, किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या होती है, नाभिक में प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 67, इलेक्ट्रॉन बहन करता है एक यूनिट रेड आवेश। इलेक्ट्रॉन बहन करता है एक यूनिट रेड आवेश और प्रोटॉन बहन करता है एक यूनिट धन आवेश। क्वेश्चन नंबर 68, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या ए बराबर पी प्लस एन, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 69, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणिक भार कितना है, याद रखिए 22। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो याद रखना AMU, डी ऑप्शन सही है। किसी तत्व के परमाणिक भार को AMU एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। 71 क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो याद रखना AMU में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, याद रखना 18 AR 38, ठीक है। 73, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसी की संख्या समान होती है, तो परमाणु, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो याद रखना न्यूलैंड ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया न्यूलैंड ने। अष्टक नियम का प्रतिपादन किया, तत्वों के परमाणु भार को वर्गीकरण का आधार बनाया। मेंडलीव की बात करें तो के अनुसार तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव गैस के लिए भिन्न है, तो याद रखना अणुओं की गति। क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाता है तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो नाभिकीय संलयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या, सूर्य हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होते हैं तथा बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है। बड़े नाभिक टूट कर जब दो हल्के नाभिक में परिवर्तित होते हैं जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है, ऐसी क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की दर मंद गति वाले न्यूट्रॉन से कराई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, जब कोई वस्तु धनाविशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। क्वेश्चन नंबर 78, परमाणु संख्या जेड द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जेड। क्वेश्चन नंबर 79, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है, मंदक के। ग्रेफाइट का उपयोग भी मंदक के रूप में होता है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला छड़ नियंत्रक छड़ कहलाता है, यह बोरोन तथा कैडमियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 80, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की मान्यता समानता रखता है, तो याद रखना हेलोजन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, परमाणु में नाभिक होते हैं, याद रखना
डी ऑप्शन सही हुआ, एच प्लस एन प्लस प्लस ई, ठीक माइनस ई। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 82, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में है, त्रिवेंद्रम में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलोर में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1955 में ट्रांबे मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 83, एल्केन का सूत्र है तो आपको बता देना है सी एन एच टू प्लस है, एच टू एन प्लस वन प्लस टू, ठीक है। 84, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहलाती है समभारी। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो समभारी कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र एवं गुण सूत्र भिन्न भिन्न हो समावयवी कहलाते हैं और ऐसी घटना को समावयवता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करती है? तो 85 में होगा सी ऑप्शन मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, 30 SI 14, 31 P 15 और 32 S 16 है आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो इस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी 18। किसी तत्व का परमाणु भार 35 और इलेक्ट्रॉन 18 है तो उस तत्व की परमाणु संख्या 18 होगी क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। किसी अणु में बंध कोण कोण अधिकतम है CO2, ठीक है। H2O में 105 है डिग्री, CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89, 92X 238 - A + 2HT Hg4 तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या है तो याद रखिए 144। क्वेश्चन नंबर 90, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? U-245। क्वेश्चन नंबर 91, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न वैज्ञानिक से संबंधित है? पावली। हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक कक्षा के सभी और कक्षा में एक एक करके भरता है उसके बाद जोड़ा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 92, हीरा में कार्बन चार एक दूसरे से अनुबद्ध हैं, टेट्राहेड्रल, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, रबर को वाल्केनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया? तो आपको याद रखना है चार्ल्स गुडइयर ने 1839 में, ठीक है 1839। थायकोल रबर है तो याद रखना संश्लेषित रबर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होता है? तो आपको याद रखना इसमें NaOH है, क्या है NaOH। क्वेश्चन नंबर 96, किसी गैस से सड़े अंडे का गंध आती है? तो याद रखना H2S हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड से सड़े अंडे की गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 97, कैथोड किरण है तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की धारा। क्वेश्चन नंबर 98, कार्बन का कौन सा अपर रूप एक ठोस दृढ़ त्रिआयामी संरचना में होता है? डायमंड। क्वेश्चन नंबर 99, गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिली लीटर होता है
यह यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा 50 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे 400 क्वेश्चन, देख लिया अभी तक। बात करेंगे 401 से आगे हम लोग, ठीक है।